आज हम पढेंगे बिगिनिंग ऑफ द रेनेसोंगनम और Renaissance, मोटा मोटा क्या है? थोड़ा सा और तफसील में इसको फिर पढेंगे। मगर अभी के लिए इतना जानना काफी है कि इट्स इन इटली जो फोर्टीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री थ्री हंड्रेड ऑलमोस्ट है जिसके अंदर एक रिबर्थ है रेनेसॉन्स का लिटरली मतलब है rebirth. इट्स अ कल्चरल रीबर्थ ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिएटिविटी और इसके बारे में कहा जाता है कि जो मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री शुरू हुआ यूरोप का जिसमें यूरोप जो है वो एक इमर्ज करके एक पावर बना एक कुवत बना और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई मॉडर्नाइजेशन हुई तो यूरोपियन हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि विदाउट द रेसॉन्स इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल और आपने भी पढ़ा होगा कोई अखबार वगैरह कभी गलती से आपके हाथ में आ गया हो तो आपने शायद कहीं कोई आर्टिकल वगैरह में पढ़ लिया हो लोग अक्सर लिखते रहते हैं कि काश पाकिस्तान में भी कोई रिबत कोई रेनेसोस हो ताकि हमारा कल्चर भी दोबारा से जिंदा हो सो so दिसमेंस वो पीरियड है फ्रॉम द इन लॉन्गेस्ट सेंस फ्रॉम द फॉल ऑफ द रोम टिल द रेसों पूरा पीरियड जो है फिफ्थ सेंचुरी टिल द फोर्टी सेंचुरी इसको डार्क एजिस कहा जाता है अच्छा ये टर्म जो है हम मुसलमानों को बड़ा शौक है इस टर्म का क्योंकि हमारी अक्सर तकरीरों में ये बात होती है कि जब मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था तो यूरोप के अंदर डार्क एजेस थी हम बड़े शौक से कहते हैं तो अब वो उलट हो गया मगर बहरहाल अभी तकरीर हमारी उलट नहीं हुई तकरीर वही चल रही है हमारी तो मगर दिलचस्प बात यह कि अगरचे ये फ्रेज हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बट इनफैक्ट ये यूरोपियंस का अपना और इटालियंस का अपना फ्रेज था टू डिस्क्राइब दैट पीरियड बिटवीन द फॉल ऑफ द रोम बिटवीन द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंडसॉन्स और ये एक पोइट था फ्रांसिस्को पेट्राक जिसने ये ये टर्म कॉइन की डार्क एज सो एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये वो पूरा पीरियड है जो क्रिश्चियनिटी का पीरियड सो टू कॉल द पीरियड व्हेन क्रिश्चियनिटी एंड द चर्च वाज डोमिनेंट द डार्क एजेस इज अ वेरी वेरी लोडेड टर्म यू नो इसका मतलब ये कि आप ये समझ रहे कि जितना अरसा चर्च छाई रही यूरोप की इंटेलेक्चुअल लाइफ पर उतना अरसा यूरोप ने तरक्की नहीं की अब बहुत सारे हिस्टोरियंस यहां कहते हैं कि नहीं दिस इज टू स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू वन साइडेड स्टेटमेंट और बहुत सारी तरक्की इस मिडीवल पीरियड में हुई इस पीरियड में हुई जो कि चर्च का पीरियड था और उस जमाने में चर्च के खिलाफ जो एक नई किस्म की लड़ाई उभरी उन्होंने चर्च को बड़ा बुरा भला कहना ही था तो उसमें फिर उस पूरे पीरियड को जो एक तरह से रगड़ लग गई और जो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज थी उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी वो भी बहरहाल

ऑफ क्लासिकल ग्रेको रोमन लर्निंग वो जो ग्रीक्स जबान के अंदर मुख्तलिफ चीजें थी और लैटिन जबान के अंदर मुख्तलिफ चीजें थी उनकी रीलर्निंग हुई वो कैसी रीलर्निंग हुई वो भी एक बड़ा दिलचस्प किस्म का प्रोसेस है उसमें यह है कि एक उसका हिस्सा ये था कि जैसे जैसे मुसलमान आगे आए और फिर फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल वगैरह भी पता हुआ तो बहुत सारे जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिस्चंस थे वो वहाँ से जो है भागे और भाग के वो इटली के सिटी स्टेट्स में आके सेटल हो गए और जब वहां वहां तो सेटल हुए तो बहुत सारी जो अपनी ओरिजिनल ग्रीक लर्निंग थी वो अपने साथ लेकर आए और रोमन लर्निंग थी वो अपने साथ लेकर आए तो एक तरह से जो इटालियंस थे उन्होंने अपनी ही पुराना ट्रेडिशन और अपनी लैंग्वेज में जो पुरानी चीजें थी उसको एक तरह से रीडिस्कवर करना शुरू किया कि ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन क्या थी और खास तौर पे उसका लिटरेचर दे वो वेरी मूव लिटरेचर नॉट जस्ट इट्स फिलोसफी बट आल्सो यू नो इट्स इट्सिस्ट एलिमेंट एक्सेट्रा जो पुराना वर्क था होमवर्क का नतीजे में वो डिसिप्लिन पैदा हुआ जिसको हम आज बोलते हैं ह्यूमैनिटीज तो ह्यूमैनिटीज का बड़ा ह्यूज इन्फ्लुएंस रहा है सोशल साइंस तो इनफैक्ट बाद में जाके इमर्ज करती है पहले जो सारा ये नया न्यू लर्निंग यूरोप के अंदर डिवेलप हुई वो ह्यूमैनिटीज के गिद थी और उसमें यही था टू अंडरस्टैंड वट इज कॉल्ड द ह्यूमन कंडीशन इंसान जो है वो कैसे सोचता है उसकी साइकोलॉजी क्या है जिंदगी क्या है मायने क्या हैं वट इज इट मेन टू लिव रियली एंड बट वर दिन वेल इसकी जो एक्सप्लोरेशन है लव की एक्सप्लोरेशन अपनी इंडिविजुअलिटी सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रोडिक्शन और रहने की सारी जो एक्सप्लोरेशन ये सारी चीजें जो हैिटीज का हिस्सा है ब्रॉड और ह्यूमैनिटीज अगर ना डिवेलप होती तो शायद बाकी चीज बहुत सारी चीजें और चीजें भी डेवलप ना होती तो उन्होंने पूरा एक तरह से जो एजुकेशनल सिलेबस है ना ह्यूमैनिटीज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया स्कोलास्टिक्स का एक सिलेबस था ह्यूमैनिटीज ने एक और सिलेबस डेवलप किया जिसमें से बहुत सारी नई क्राफ्ट निकली और रीडिस्कवरी ऑफ द ग्रेको रोमन लिटरेरी ट्रेडिशन और उसको दोबारा से रिवाइव कर स्पिरिट ऑफ द रेन क्या थी एक तो ये कि ना एक नई किस्म की क्रिएटिविटी यूरोप के अंदर नजर आई पॉलिटिक्स सोसाइटी इकोनॉमिक्स कल्चर हर चीज के अंदर एक नया नई अप्रोच किस्म की नजर आनी शुरू हुई हमें और अप्रोच ये थी कि जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच थी कि हमने इस चीज पे डिबेट अब नहीं करनी कि इस जिंदगी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा जन्नत में क्या होगा दोजख में क्या होगा पर्गिट्री में क्या होगा वगैरह वगैरह ये चीजें हम जान भी नहीं सकते क्योंकि हम तो इस मादी दुनिया में हैं और जानने का हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है ये तो हमें तब पता चलेंगी जब हम इस दुनिया से તુસી દુનિયા મે જાયેંગે મગર ઇસ દુનિયા કો સમજના બહોત જરૂરી હે તો ઇન્સાન ક્યા સોચતા હે ઉસકી સિયાસત કેસે હોતી હે ઉસકી સોસાયટી ઇકોનોમિક્સ કલ્ચર વગેરે સબ કી ક્યા ચીઝ હે દૂસરા યે કે એક નયા કિસમ કા વર્લ્ડ વ્યૂ ડેવલપ ہوا જિસમે પ્રોગ્રેસ કો બહોત ઇમ્પોર્ટન્સ દી ગઈ કે ભઈ યે ભી તો દેખો કે ઇન્સાન તરક્કી કેસે કરતા સિર્ફ યે ના દેખો કે મે અગર થોડા સા એક્ઝેજેરેટ કરકે આપકો પ્રેઝન્ટ કરું તો એક્ઝેજેરેટ કરકે ઇસ طرح સે પ્રેઝન્ટ કરુંગા કે અગર ક્રિશ્ચિએનિટી મે જો સారా એમ્ફસિસ હે સారా કભી ભી નહી હોતા થોડા સા એક્ઝેજેરેટેડ તરીકે સે આપકો બતા રહા હું अगर एम्फोसिस ये है कि आखिरत की तरफ दी जाए तो इस अब ह्यूमैनिटीज़ और जो जो uh, वगैरह के अंदर है है वो है ये है कि इस दुनिया के हवाले से सोचा जाए और इस दुनिया में तरक्की के हवाले से सोचा जाए कि इस दुनिया में हम तरक्की कैसे कर सकते हैं सिर्फ ये नहीं कि आखिरत में तरक्की कैसे करनी कैसे नहीं कर वट मेक्स यू सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड सो न्यू कल्चर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर न्यू अचीवमेंट कि इंसान जो है ने ने एक मुकम्मल इंसान बने और उसका एक पोटेंशियल है उसमें आपने ये टर्म सुनी होगी दैट तैमूर रहमान इज अ मैन सुनी ना ये टर्म एनी anyway, चलो माफ कर दिया आपको मगर ये टर्म अक्सर इस्तेमाल की जाती है कि अ फिलास मैन इससे मतलब ये होता है अक्सर कि भाई वो मौसीकी भी बजाता है वो पढ़ता भी है वो मैथ भी उसकी बड़ी जबरदस्त है साइंस में भी दिलचस्पी लेता है आ, आर्ट्स में भी ह्यूमैनिटीज लिटरेचर भी उसने पढ़ा हुआ है यानी उसने हर चीज थोड़ी 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 पढ़ी हुई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ ऑफ नन नॉट मास्टर इन ऑल थिंग्स मगर उसकी एक ब्रॉड नॉलेज है ये नहीं कि उसकी एक नैरो और स्पेशलाइज किस्म की नॉलेज है उसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है पर्सन का का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में आना चाहिए एटलीस्ट एट दिस लेवल फिर जब आप मास्टर्स करने जाते हैं तो फिर आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं और और स्पेशलाइज करते हैं और और स्पेशलाइज करते हैं सो दैट इज द बिहाइंड इसमें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी था कि नई दुनिया ड्राफ्ट करनी है क्रिस्टोफर कोलम्बस साहब ने कहा कि चलो लाहौर चलते हैं सुना है, है वहाँ की लस्सी बड़ी अच्छी है तो वो निकले थे इंडिया डिस्कवर करने के लिए तो उनको मिल गया अमरीका उनका ये ख्याल था कि ये इंडिया ही है तो उन्होंने फिर कह दिया कि देखो मुझे इंडियंस मिल गए इसीलिए उनका नाम रेड इंडियंस पड़ गया हाँ। वो असल में सोच रहा था कि आप हैं मगर वो आप नहीं थे वो

इसकी पांच मैं आपको मोटी मोटी वजूहत बताता हूँ एक तो यह है कि जो इटालियन सिटी स्टेट्स थे आ, कोस्ट के करीब करीब हुआ करते थे तो ये मर्चेंट स्टेट्स थे ये बहुत तजारत बहुत किया करते थे मेरीटेन और अरसे से कर रहे थे मगर इसकी वजह से मतलब कोई अभी नई नई तो नहीं शुरू हुई थी इट वॉज गोइंग ऑन फॉर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मगर उसके नतीजे में जो मर्चेंट क्लास थी वो काफी वहां पर ताकतवर थी फिर दूसरी वजह यही थी द स्ट्रक्चर ऑफ द इटालियन सिटी स्टेट्स वो अभी आप देखेंगे वो ये था कि भी एक तरफ होली रोमन एम्पायर है तो दूसरी तरफ फ्रांस है तरफ स्पेन है तो चौथी तरफ पेपसी है वगैरह इनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे जिसमें जो इटालियन सिटी स्टेट्स थे वो काफी हद तक अटोनी पॉलिटिकल अटोनमी रखते थे अपने फैसले खुद कर सकते थे किसी फ्यूडल लॉर्ड के नीचे उस तरह से इतनी सख्ती से नहीं थे फिर एक ब्लैक डेथ हुई और जिसके नतीजे में बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन यूरोप की डिक्लाइन कर गई क्योंकि सिल्क रूट से You know, uh, आ गया। छोटे छोटे रैट्स दैट ट्रेवलिंग विद कागो एक्सेट्रा उसने बहुत पॉपुलेशन को उड़ा के रख दिया यूरोप की पॉपुलेशन को गरीब लोग ये वो इवन अमीर लोग सारे जो है ना बहुत बड़ी तादाद में मारे गए उससे ये हुआ कि आफ्टर द रिकवर फ्रॉम द ब्लैक डेथ तो देर वॉज अटेज ऑफ लेबर के काम स्किल करने वाले लोग तो फॉर लिटल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द ब्लैक डेथ जैसे कोविड से आप रिकवर कर रहे हैं ब्लैक डेथ से जब रिकवरी हुई तो स्किल्ड लेबर जो है ना वो बड़ा हाईली लेबर जनरली बड़ा हाईली इन डिमांड था तो कुछ उस वजह से भी हालात जो है ना बेहतर हुए क्योंकि लोग ही इतने कम रह गए थे कि भाई इतनी सख्ती ना की जाए लोगों से तो बेहतर है इनको जरा आज़ादी दी जाए फ्रीडम ऑफ थाट वगैरह दिया जाए और जैसे मैंने बताया चौथी वजह री ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर था और uh, एक और बात ये थी कि ऑफकोर्स ये जो लिटरेचर रीडिस्कवर कर रहे थे तो वो इटली का अपना पास्ट था Italy apna hissa tha. They were in a certain sense rediscovering themselves. So that's why they felt a strong sense of bonding with that ancient great past, Roman past, and they wanted to, you know, recreate that. Okay, na? So it was also about status and all of those sorts of things. Um, but it also had a huge impact on the intellectual climate of the time. Or importantly, they could be a कि जब हम ये कहते हैं कि यूरोप जो है वो डार्क एजेस में था और फिर वहां पे रेनेसॉस हुई रीबर्थ हुई और फिर वो मॉडर्नाइज हो गया और फिर हम कहते हैं काश हमारे अंदर भी रेनेसांस हो जाए और हम भी मॉडर्नाइज हो जाए तो हम इस बात का एहसास नहीं करते कि वो जो रेनासॉन्स थी वो प्राइमरली और गौर से सुनिएगा बिकॉज कम्स द रियली इंटरेस्टिंग बिट वो जो रेनेसोंस थी वो प्राइमरली एक आर्ट मूवमेंट के जरिए यानी यूरोप डार्क एजेस से जब इनलाइटनमेंट की तरफ गया तो सबसे इस इस तब्दीली में किस चीज ने कलीदी किरदार अदा किया आर्ट ने आर्किटेक्चर ने लिटरेचर ने ह्यूमैनिटीज ने साइंस ने नहीं अदा किया मैथ स्टेम सब्जेक्ट ने नहीं अदा किया बुनियादी किरदार इन चीजों ने एक बुनियादी किरदार अदा किया जिससे आगे फिर आ, मजीद साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह डिवेलप हुए अक्सर लोग ये कह जाते हैं ऐसे ही जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते और इन चीजों को समझते नहीं है उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं है

1564 एंड राफेल 1483 टू 1520 तो ये रेनेसांस के थ्री ग्रेट फिगर्स तो रेनेसांस आर्ट ने एक कल्लती किरदार अदा किया लोगों की इमेजिनेशन को अंडरस्टैंडिंग को खासतौर पे इंटेलेक्चुअल्स की थिंकिंग को रीफोकस किया ये मत समझिए कि जो रेनेसांस थी वो कोई एंटी चर्च नेसेसरीली थी कई जो रेनेसांस आर्टिस्ट हैं उनको चर्च ने खुद कमीशन किया कि ये हमारी चैपल है इस पे स्कूल ऑफ एथेंस बनाओ इस पे ये नई चीजें बनाओ इस पे डिपेक्ट करो द होल स्टोरी ऑफ जेनेसिस एक्सेट्रा ये सब चीजें करो मगर फिर भी उसका एक इम्पैक्ट जो हुआ टी पे यानी कि आम लोगों पे और यूरोपियन इमेजिनेशन पे वो बड़ा जबरदस्त और पॉजिटिव था सो so, हमें इस चैप्टर के अंदर ऑथर जो है बताता है दांटे के बारे में मेरसिलियस ऑफ पैडुआ के बारे में बाटलस के बारे में और काउंसिलर मूवमेंट यानी विलियम ऑफ ओकम की मूवमेंट के बारे में ऑफ कूजा के बारे में जॉन गर्सन के बारे में ये सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं और ये सारे के सारे ऑथर्स जो हैं, इनको आप ब्रॉडली इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ये सारे अब ये कह रहे हैं कि चर्च की हुक्मरानी सियासत पर खत्म होनी चाहिए और अब क्या कहना चाहिए सेक्युलर स्टेट की हुक्मरानी जो है उसको हमें तस्लीम कर ये नहीं कि चर्च खत्म हो जाए दैट्स नॉट वे नॉट एथियसमथिंग ऑफ दैट सॉर्ट रिचर्ड नहीं है ये ठीक है मगर देर ऑल बिलीवर्स ऑफ वेरियस मगर उसकी जो पोलिटिकल अथॉरिटी है उसको वो चैलेंज करते हैं और कहते हैं नहीं कानून जो है वो सेक्युलर अथॉरिटी बनाए वो सेक्युलर स्टेट बनाए इन अदर वर्ड्स साफ सी बात कहने की ये है कि ये वो पीरियड है जिसके अंदर यूरोप के अंदर सेक्युलरिज्म इमर्ज करता है अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट रहती है कि कुछ लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म कुफर है कुछ लोग कहते हैं सेकुलरिज्म के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते वगैरह वगैरह ठीक है यही डिबेट आप देख सकते हैं कि इस पूरे पीरियड के अंदर भी हमें नजर आती है कि डिबेट बहुत बड़ी डिबेट ये हो रही है कि ये सेक्यूलर किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में किसकी तो, लॉ में किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए एम्परर को नॉमिनेट करने के हवाले से किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए टैक्स लगाने के हवाले से किसकी अथॉरिटी होनी तो ये जो सारे मामलात हैं इसमें चर्च का क्या रोल होगा स्टेट का आपने पिछली क्लास में भी सुन लिया कि ये लड़ाई पहले भी चल रही थी अब ये एक तरह से अपने यू नो क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है एंड देन यू सी थ्रू दिस प्रोसेस हाउ थॉट इमर्जेस इन यूरोप एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जब नाइन्थ सेंचुरी सेंचुरी के बाद होली रोमन एम्पायर वगैरह कायम हुआ शार्लिमेंट और वो सारे सिलसिले के बाद वो ये था कि अब सामाउद रोमन एम्पायर वीवाइव इट्स इसके पीछे कई एफर्ट्स होली रोमन एम्पायर तो बन गया जिसको आप देख रहे हैं कि चर्च ने खुद उसको एक तरह से

So, they want now this thing to spread in the same way that the old Roman Empire used to not only control you know, Europe, but would control also the entire Mediterranean world, including North Africa and Palestine and all of that. They wanted the recreation of that. But by the late 13th century, many efforts clear. It's very difficult to revive it.

और कैथोलिक वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी वो एक दूसरे से अलहदा होगी इन द इलेवेंथ सेंचुरी अब ये एक और कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वेस्टर्न किस्म कहते हैं जिसके अंदर वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ और पहले दो पोप बन गए फिर उसके बाद तीन पोप भी बन गए और समझ नहीं आ रही थी कि इस मामले को किस तरह ठीक किया जाए इसमें जो मेन किरदार हैं वो हैं पोप द एंड फिलिप द फेयर ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस और, और के किंग के दरमियान और पोप के दरमियान एक लड़ाई थी और इसमें और भी किरदार हैं द द द इज पोप एंड एंड होली रोमन वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है तो फ्रांस अपनी जगह कोशिश कर रहा है होली रोमन एम्पायर अपनी जगह कर रहा है मसला क्या था मसला वही था द किंग्स ऑलवेज वॉन्टेड टू टैक्स द चर्च क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन चर्च के तहत आ जाती थी तो किंग्स उस पर ना टैक्स लगा सकते थे ना कोई लेजिस्लेशन कर सकते थे कुछ कर ही नहीं और दोनों किंग्स दोनों क्या सारे किंग्स जो थे वो ये चाहते थे कि हम पैसे इकट्ठे करें और फिर हम एक जंग करें और जंग करके इंग्लैंड की किंग की ख्वाहिश ये थी कि मैं फ्रांस के किंग को रहूंगा और फ्रांस के किंग की ख्वाहिश ये थी कि मैं इंग्लैंड के किंग को रहूं रहूंगा तो दोनों ये कहते थे कि आर्मी के लिए पैसे रेज करने के लिए हमें टैक्स करना पड़ेगा चर्च को और चर्च क्या कहती थी तुम कौन होते हो हमें टैक्स करने वाले हमें टैक्स करने की अथॉरिटी नहीं है पोप भी ये कहता था कि जो होली रोमन एम्पर बनेगा उसके इलेक्शन में हमारा अपना किरदार होगा आपको याद होगा प्रिंस इलेक्ट का पूरा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें बिशप्स भी शामिल थे और इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स वगैरह भी शामिल थे क्योंकि जब चार्लियमैन ने कॉन्कर किया उस पूरे एरिया को फिर पोप ने उसको यू नो एम्प्रायर डिक्लेयर किया तो उन्होंने कहा देखें जी हाँ जो भी एम्प्रायर बनेगा उसको पोप जो है डिक्लेयर कर देगा सो टिल थर्टीन सेंचुरी जब भी किंग्स की और पोप की लड़ाई होती थी तो उसमें विक्ट्री हमेशा पोप की होती चर्च बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन थी और चर्च जीत जाती थी हमेशा ऑथर लिखता है एलन रायन दैट द कैथोलिक चर्च वाज़ अ फॉर्मेडेबल फोर्स इट वाज़ वॉज देन एनी सिंगल यूरोपियन स्टेट ओ एन जी इतने पैसे थे उनके पास कि किसी यूरोपियन स्टेट के पास इतने पैसे नहीं थे, थे, थे चर्च के पास थे ओनिंग अ क्वार्टर ऑफ ऑल द लैंड एंड मूवेबल्स इन यूरोप वन क्वार्टर इनफैक्ट और सोर्सेज ही कहती है इट वॉज अराउंड थर्ड अ थर्ड ऑफ ऑल लैंड इन यूरोप कर सकते इसे तो मसला बनना ही था और लोग भी उसको फॉलो करते थे लोग भी कहते थे कि ये क्राइस्ट का रास्ता है ये यू नो खुदा का रास्ता है और हम इस रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे और जो चर्च कहगी हम करने के लिए तैयार तो इंपीरियल थ्रोन जो है फ्रेडरिक द के uh, 1250 ले के बाद से तक खाली रही। इलेक्ट नहीं कर पा रहे थे को। इसी तरह 1209 के अंदर इनोसेंट द थर्ड ने एक पेपल इंटरडिक्ट लगाई ऑन इंग्लैंड इंग्लैंड ने ये कहा कि हम चर्च की प्रॉपर्टी से टैक्स लेंगे तो चर्च ने कहा तुम्हारी ऐसी प्रॉपर्टी से टैक्स कैसे ले सकते हो हम ना तो सर्विस करेंगे ना चर्च में आपको बढ़ने देंगे आपके साथ कोई काम नहीं करेंगे तो टोटल बॉयकआउट कर देंगे इंग्लैंड के अंदर सब कुछ बंद कर देंगे चर्च आप मदद नहीं करेगी तो फिर क्या हुआ कि इनफैक्ट किंग जॉन को यू नो हैड टू एक्सेप्ट कंप्लीट एंड अटर ह्यूमिलिएशन क्योंकि पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे चर्च से हमें लहदा कर दिया आपकी वजह से ये क्या हो रहा है हमारे साथ एंड देन यू हैसेप्ट द पोप इज लाइक माई फ्यूडल ओवर लॉर्ड एंड आई एम योर वैसल एक्सेट्रा

इतनी ताकतवर कोई भी नहीं थी रियासत जो चर्च को टेक ऑन कर सके टेंशन रहती थी मगर पोप might, 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 Europe, जो कि जब पोप कॉल देगा तो वो पोप की साइड पे आके लड़ेंगे तो अगर एक आदमी किंग खिलाफ भी हो जाता है तो बाकी किंग्स कहेंगे सर हम हाजिर हैं बताएं कि इसको, इसको हम फैटी लगाते हैं सीधा करते हैं ठीक है तो इस तरह चर्च की बड़ी इंक्रेडिबल पावर मगर अब हम ये देखते हैं कि चर्च की डिफीट होती है एक तो ये बंदा है क्लर्जी uh, uh, एक इंग्लैंड और एक फ्रांस दोनों से लड़ाई थी दोनों ने आपस में लड़ना था यानी इंग्लैंड फ्रांस से फ्रांस ने इंग्लैंड से और दोनों ने उस लड़ाई के लिए टैक्स करना था चर्च को चर्च ने कहा साढ़े तो टैक्स नहीं लाना इसे और तो जाकर लगो स तो ही इशू टू पेपल बोल दैट द क्लर्जी कुड नॉट बी टैक्स विदाउट पेपल परमिशन बोनिफिस ने ये इशू किया बट बोनिफिस वाज बीइंग चैलेंज्ड आल्सो विद इन रोम उसकी अपनी पावर बेस जो है ना वो कमजोर थी क्यों कमजोर थी उसकी एक वजह ये थी कि उसका जो अपना इलेक्शन था ना वो कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि उससे पहले जो पोप था उसने रिजाइन किया और पेपल की पोप की हिस्ट्री में चर्च की हिस्ट्री में पोप ने कभी रिजाइन नहीं किया Well, so, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि लीगली नहीं है इलेक्शन so the no हो रहा पोप बने तो एक ये मसला था फिर दूसरा इशू ये था कि रोम के अंदर बड़ी सियासत होती थी और वो डर्टी टाइप वाली पॉलिटिक्स वो वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो बड़ी डर्टी किस्म की पॉलिटिक्स जो होती है ना इधर से ब्राइब कर दो उधर से ये कर दो उधर से मरवा दो उधर से पॉइजन कर दो ये कर दो वो कर दो कभी आपने इस पे

Uh, you know, पे लगाने की। तो हम लगाएंगे और हम खुद चेक करेंगे आप कौन होते हैं करने लो जी लड़ाई शुरू हो गई चर्च ने तैयारी की, की और, 1303 के अंदर फिलिप ने हायर की और पोप बोनेफिस को जो है डिफीट कर दिया वो लड़ाई झगड़े के अंदर पोप मोनोफिस जो है उसको चोट चोट लग गई मैन एनी वे तो हफ्ते के अंदर उनकी वफात हो गई एंड द फ्रेंच मोनार की नाउ किडनेपेपिजिकली

तो अब वो फ्रांस में चला गया है तो ये ये गड़बड़ होगी तो दिस इज द फर्स्ट बिग डिफीट ऑफ द पेपसी इन रोम दे विल रिकवर फ्रॉम इट बट दिस इज नाउ कॉल्ड द वेस्टर्न स्किज्म अब देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिस्टर दांते अलेगेरी जो हैं वो उठते हैं और वो अपनी किताब लिखते हैं और अपनी किताबें बल्कि लिखते हैं सबसे अहम किताब तो उनकी है द डिवाइन कॉमेडी जब हम छोटे होते थे तो हर स्कूल के अंदर डिवाइन कॉमेडी कभी ना कभी प्ले किसी ना किसी स्टूडेंट सोसाइटी ने करना ही होता था It is considered, the Divine Comedy is considered the, the, uh, kya chahiye, book that in a certain sense, um, captures uh, that period of the Renaissance and of the new humanities that emerged. It's considered a classic of Western literature, uh, one of the big classics of Western literature. So, um, it's written in Italian. Magar, that's, that's a different thing. It's about, uh, Dante having a dialogue with all the different people who are in hell, all the different levels of hell he travels and he has a dialogue with all of them, etc. But ये जीबूग्रीप किसी की कहानी है, क्योंकि is in hell obviously having conversations. तो वो एक literary work है, political work था यद उसको कहना, उसमें भी politics बहुत है, मगर जो उसका directly ज़्यादा political work था, वो ये था, the monarchy, universal monarchy, जिसमें उसने लिखा कि monarchy के principle को उसने defend करने कोशिश

ट्रोल को फड़का के रखते थे आपका दोस्त लिखता है savage. तो ही ठीक like है ना अच्छा इसमें उसने फिर क्या लिखा यूनिवर्सल मोनार्की उसने ये लिखा द चर्च ऑट टू बी सबोर्डिनेट टू दर नॉट दैट इट बट इट ऑट टू बी सबोर्डिनेट टू तो ये प्रिंसिपल है कि स्टेट जो है उसकी अथॉरिटी बनती है पोप नॉट एक्सरसाइज एनी लीगल एंड पोलिटिकल पावर ओवर द दर ओनली अ रिवाइव एम्पायर ऑन द रोमन मॉडल कुड प्रोवाइड द इन विच ह्यूमैनिटी कुड

1559 में और 1891 तक उनकी किताब जो है चर्च ने बैन करके रखी अगर अगरचे उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है मगर आज के पीरियड में व्हेन वी लुक बैक एट हिस्ट्री जिस बंदे की किताब बैन नहीं हुई उसको फिर हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते ठीक है ना कहता है जी एरिस्टॉटल से वो देखता है कई हिस्से हैं इस किताब के पहला हिस्सा जो है उसमें वो रीजन से बात करता है दूसरा हिस्से में वो द विल ऑफ गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है तीसरे हिस्से में स्क्रिप्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है तो पहले हिस्से में वो रीजन से बात करते हुए एरिस्टॉटल को कोट करते हुए और उसी से डिराइव करते हुए ये कहता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इन सोसाइटी स्पीसीज टू मैनिफेस्ट ऑल डिस्टिंग ह्यूमन परफेक्शन जैसे कि एरिस्टॉटल ने कहा कि इंसान जो है इंसान बनता ही तब है जब कानून के दायरे में पैमाने में अपने आप को प्लेस करता है मैन इज अ पोलिटिकल एनिमल मैन ओनली बिकम्स मैन वेन यू आर विद इन द स्टेट द स्टेट इज नेचुरल वो भी कहता है ये बिल्कुल सही है तो क्या है वो ह्यूमन परफेक्शन वो कहता है द द इंडिविजुअल मस्ट टू अटेन लाइफ ऑफ रीजन एंड टू गवर्न हिमसेल्फ बाय मॉरल लॉ कानून की पासदारी होनी चाहिए और रीजन रीजन एंड लॉ दीज आर टू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जिसमें दर हकीकत इंसान इंसान बन सकता है और इसके लिए आपको समाजी अमन चाहिए इसके लिए झगड़ा हो रहा होगा फसाद हो रहा होगा लड़ाई हो रही होगी फितना हो रहा होगा तो इंसान तो जानवर बन जाएगा आपको यू नो यू नीड पीस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज थिंग्स एंड व्हाट कैन ब्रिंग अबाउट दैट पीस नॉट द चर्च

अपने आप को चेंज नहीं करते ये बड़ी मेरे ख्याल है पते की बात है क्योंकि वी आर ऑलवेज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी आर ऑलवेज पार्ट ऑफ दि सोशल इंटरेक्शन एंड चाहे हम चाहें या ना चाहें उन सोशल इंटरेक्शन हमें शेप और करना ही करना है तो अगर सोसाइटी जो है वो टेग्निशियन में जाएगी तो उस सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल है वो भी बेचारा फंस जाएगा उसके लिए बड़ा मुश्किल है टू टुस्पे अगेंस्ट कैसे टाइट वो कोई एक्सेलेंस अचीव करे जब पूरी सोसाइटी पीछे जा रही है तो एक बंदा जो है निकल के कहीं चला जाए ये बड़ी एक्सेप्शनल बात है जब पूरी सोसाइटी आगे जा रही है तो फिर हर बंदा ही उसमें जो है आगे की तरफ बढ़ेगा तो मैं अक्सर ये देखता हूँ वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल किस्म की कि मैं अक्सर ये देखता हूं, ये देखता हूं आ, जो सोसाइटी स्टेग्नेट कर रही होती है ना उसमें लोग भी बड़े सिनिकल हो जाते कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं होना उनको दिलचस्पी भी नहीं रहती काम कोम में बस वो कहते हैं किसी तरह से जल्दी से टाइम गुजारो और पता करो कि सर के क्विजिस कब है और फर्क करो ब्रेक लो और घर जाओ ठीक है ना और जो सोसाइटीज ग्रो कर रही होती हैं उनमें एक एक क्यूरोसिटी पैदा हो जाती है लव ऑफ द वर्क खुद ही पैदा हो जाता है बिकॉज वो फील करते हैं कि जो मेरा एफर्ट है वो रिवॉर्ड होगा जबकि शायद हम फील करते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा मैं एफर्ट करूंगा तो वो रिवॉर्ड भी नहीं होगा फायदा क्या है सब करने का मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है किसी ने फोर्स किया हुआ अमी अब्बू ने कि पुत्र लम से डिग्री लेनी है तो मैं आ गई हूँ पर ना मेरा दिल तो नहीं चाह रहा यू नो होता है ना आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बड़ी इंडिविजुअली मगर मोस्ट ऑफ यू आई हेयर गलत कह रहा हूँ मैं मैं पूछ रहा हूँ ज्यादातर लोग इसीलिए वजह से लम्स में बैठे हैं ना क्योंकि मजबूरी है ना पे उन्हें फोर्स किया अगर आपके पास चॉइस होती तो वुड नी राधा बी सिटिंग इन द और समथिंग वो देखो तो वैसे सो गया <laughs> वो कह रहा है ये तो मैंने लम्स में इतना मुझे इरिटेशन है कि मैंने सवाल को ही नहीं टेकअप करना कि मुझे होना भी चाहिए नहीं <laughs> सो so, ये सारी डिस्कशन इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था दैट टू अराइव अराइव एट एट वेयर यू यू वांट रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल और अगर सोसाइटी जो है ना वो एक किस्म की डाउन टर्न में है तो वो अपने साथ इंडिविजुअल को खींच के लेके जाती है तो यूनिवर्सल मोनार्की का प्रिंसिपल यही था कि जो मोनार्की है जो स्टेट है वो कंट्रोल करे सारे मामलात को ना कि चर्च करे दूसरे सेक्शन में

in the divine Con uh, comedy, for example, he concentrates on the corrupting effect on the church, etc., uh, you know, how the church itself had become extremely corrupt and so on. and he says that uh, the political authority of the church is invalid because for an emperor to divest himself of imperial authority is self-negating. nobody has the right to do things because of an office he holds, which are in conflict with that office. otherwise, one and the same thing would.

जो टू शॉर्ट वाला पैसेज है और आइडिया है कि एक डिवाइन थॉट है और एक स्पिरिचुअल है उसको वो कहते हैं जो स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है वो क्राइस्ट इज टॉकिंग अबाउट वेरी लिटरली कि अगर दो भी तलवारें हैं तो बहुत है हम लड़ने के लिए तैयार मीन कि चर्च एंड स्टेट जो है वो दो मुख्य तलवारें हैं इसी तरह वो कहता है पावर ऑफ बाइंड टू बाइंड एंड लूज ये तो हेवनली पावर की बात की जा रही है इस दुनिया की बात नहीं की जा रही कि चर्च के पास कोर्सिव पावर होनी चाहिए टू बाइंड एंड लूज वो कह रहा है ये तो खुदा की बात की जा रही है कि जब आप हेयर आफ्टर में जाएंगे

You know, कि ये तो बिल्कुल बाहन हो जानी चाहिए किताब मगर मार्सिलियस uh, जो है उसकी किताब 500 सौ सफे की किताब है जिसमें उसने मतलब है कि कोई कसर नहीं छोड़ी पोप के खिलाफ और चर्च के खिलाफ ऑथर uh, लिखता है इट वॉज रिपेटिटिव इट वॉज सैज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट वॉज पर अंदर उसने थियोरी डेवलप की ऑफ सेक्यूलर अथॉरिटी कि क्यों रियासत के पास अथॉरिटी होनी चाहिए सिर्फ टू लेजिस्लेट द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट अभी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात नहीं हो रही मगर यह बात जरूर हो रही है कि भाई कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी जरूरी है जिसमें कम से कम से एक सर्कल है जिसने कंसेंट देनी है और थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी कि वो सर्कल ने ही जो है इलेक्ट करना है सिलेक्ट करना है किसी एम्पर को वगैरह इसी तरह चर्च के अंदर भी कंसेंट होनी चाहिए चर्च के अंदर जो अथॉरिटी है पीपल अथॉरिटी बिशप की अथॉरिटी वो भी बाय कंसेंट होनी चाहिए अथॉरिटी

उसमें प्रेजिडेंशियल उस डिबेट करके बताते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। church, no only, no और जिस तरह उन्होंने पैसे खाएं और कमाएं और टैक्स किया है ये भी सब जो है ये क्राइस्ट की टीचिंग्स टीचिंग का हिस्सा नहीं है चर्च का सिर्फ काम ये था टू टीच नॉट टू रूल टीचर्स देयर ओनली अथॉरिटी इज

जो इटालियन सिटी स्टेट्स थी लाइक फ्लोरेंस वेनिस मिलान पिजा वगैरह दे वर एबल टू एक्सरसाइज अ डिग्री ऑफ अटोनमी वो अपने कानून खुद बना लेते थे एंड uh, यहाँ पे कोई बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड नहीं थे तो जो फ्यूडल कल्चर टिपिकल फ्यूडल कल्चर था वो इटालियन सिटी स्टेट्स में नहीं था यहाँ से किसी ने सवाल पूछा था कि इसकी रेलिवेंस क्या है कि जो इट जो फ्यूडल कल्चर था जो फ्रांस में होली रोमन एम्पायर में किंग्स वगैरह का कल्चर था जो बड़ा डोमिनेट करता था यहाँ पे वो कल्चर टूट गया और मर्चेंट्स ने

in city-states may change hona hua, or capitalism key development hui. so bartolus is uh, born in 1313 dies in 1357 he's a professor of law dies very young by all accounts a brilliant person he argued the case that the german emperor had lost de facto control over, over the cities of northern italy a true sovereign united in one pair of hands both de facto power and de jure authority uh, <clears throat> that entitled him to wield it so here law may uh, uh, baat raheti, de facto versus de jure So this is where the argument develops, uh, the idea that the, uh, you know, that uh, for real authority to be exercised, you have to have effective government. Effective lawmaking is the most important aspect of legitimate government, and that no longer exists, either with the papal, uh, with the papal authorities uh, or with the emperor. So um, he explains, through an Aristotelian framework, how these cities can be autonomous and make their own laws. Uh, they can give themselves laws. They don't have to accept papal laws, etc. He argued the case that one man rule is best. Uh, that is what promotes the common good. Uh, that, the, like Aristotle says, Ki the form that promotes the common good in any given form of government, type of government, is the best form. So, uh, you know, so their democracy versus uh, you know mob rule and tyranny versus kingship and so on and so forth aristocracy versus oligarchy so it takes all that entire six uh, division uh, just like aristotle he thought kingship by election is the best form of government this is what is also divinely approved and he had enormous hostility to rome rome was a chaos of competing tyrants as he saw it and he wasn't wrong and uh, they had an, a completely ineffectual ruler and um, um, the if you had a just regime then you would have prosperity willing taxpayers successful state respected by neighbors and uh, you know if you had an unjust state you would have famine and war okay so finally we come to william of ockham william of ockham ockham's razor so ockham's razor is a very famous principle the simplest explanation is probably the best explanation Thik, aap, uh, ne aaj, aai, ke, Sir, aliens ne

Close, probably closer to the prob on probability is closer to the truth than the explanation with several unexplainable or unexplained assumptions that's called occam's razor the simplest all other things being constant the simplest explanation is probably the right one so by this time papacy is becoming very authoritarian corrupt centralized etc etc don't forget many has housekeepers lot of the power and lot of the wealth hai. or loga bibi saqt by 1377 78 द वेस्टर्न किसम में जो फ्रेंच क्लरिक्स वगैरह थे उन्होंने उनकी और जो लैटिन क्लैरिक्स वगैरह थे उनकी फिर लड़ाई हो गई जब फिर लड़ाई हो गई तो uh, जो स्टेट्स थे मुख्तलिफ वो भी आपस में स्प्लिट हो गए मिसाल तौर पर फ्रांस नेपल्स स्पेनिश किंगडम्स वगैरह जो है वो एवेगनॉन के साथ गए फ्रेंच पोप के साथ गए और इंग्लैंड जो है और नॉर्दर्न इटली वो रोमन पोप के साथ गए और इसमें भी तकरीबन सत्तर साल और लग गए कि यह मामला जो है रिजॉल्व नहीं हो रहा था इसमें अब विलियम ऑफ ऑकम ने यह कहा कि इसको रिजॉल्व करने का तरीका यह है कि पोप को रहने दो ठीक है पोप को जरा थोड़ी देर के लिए रहने दो काउंसिल बनाओ और काउंसिल को जो है ज्यादा पावर दो कंपेयर टू द पोप काउंसिल शुड बी सुप्रीम नॉट द पोप सो दैट्स वाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड काउंसिलियरिज्म बिकॉज इट बिलीव दट द काउंसिल शुड हैव ग्रेटर अथॉरिटी देन द पोप एंड ऑकम इज द मेन गाय गायपॉन्सिबल फॉर दैट

एवरीबडीज क्रिश्चियन इज अ चर्च और वो ही पावर दे सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो ये बड़ी रेडिकल किस्म की डेमोक्रेटिक बात थी विद इन द चर्च और ऑब्वियसली चर्च इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थी मगर अपने जमाने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात दो और लोगों का नाम लेते हैं जॉन गर्सन एंड निकलस ऑफकूसा काउंसिल ऑफ पीजा फोर्टीन में हुआ अब उसमें क्या हुआ कि दो पोप हुए और तीसरा पोप आ गया तो पहले दो थे अब तीन हो गए क्योंकि जो पहले वाले दो थे उनको कहा तो तुम लोग रिजाइन करो और हम एक तीसरा पोप इलेक्ट करते हैं जिसपे कोई इतराज नहीं होगा वो तीसरा भी इलेक्ट हो गया और बाकी दो ने रिजाइन भी नहीं किया तो अब तीन पोप उन्होंने काउंसिल ऑफ में गए 14, 14, 14, और उन्होंने फाइनली तीनों पोप को फारक करके मार्टिन द फिफ्थ को पोप बना दिया और इसके पीछे जॉन जॉन गर्सन का इंपॉर्टेंट काम था जिसने 20 साल इसको आर्ग्यू किया कि यार को काउंसिल काउंसल बना के मसला जो है हल किया बस इतना ही उसका कंट्रीब्यूशन बहरहाल मामला फिर भी ठीक नहीं हुआ आगे जाके फिर जो है वो स्प्लिट्स uh, वगैरह होने शुरू हुए और जो बड़ी बड़ी यू नो स्प्लिट था उसमें यही था कि एक तरफ देर वॉज द प्रिंसिपल दैट द कंसेंट ऑफ ऑल द्रिस्टियन इंपॉर्टेंट एंड द द अदर साइड प्रिंसिपल दैट पोप्स अथॉरिटी डोमिनेट्स ठीक है एक तरफ वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल फ्रॉम द टॉप है तो इसने कोशिश की कि निकोलस ऑफ कूसा ने कि भाई वी फाइंड सम मिडिल ग्राउंड एक्सेट्रा So, but this conflict. Ke baad, by the time you enter into the 15th century, the schism is resolved, and the church now becomes <clears throat> totally hierarchical, authoritarian, and uh, very much, you know, top down. So there was this—you could say there was this large attempt because of the Western schism for reform within the church, but it does not come through. it fails to materialize, and that, of course, sets the stage for the next. Uh,

जिसका मैंने जिक्र किया विलियम ऑकम या चर्च से बाहर जो चर्च पे अटैक्स थे उनका जिक्र कम करते हैं दांते वगैरह ये सब कुछ ठीक है बट यू कैन सी नाउ के सीड्स ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग आर इमर्जिंग बोथ आउटसाइड एज वेल एज इन साइड द चर्च दैट गवर्नमेंट नंबर वन मस्ट बी द वर्क ऑफ अ सेक्युलर अथॉरिटी नॉट ऑफ द चर्च एंड बोथ दैट सेक्यूलर अथॉरिटी एज वेल एज चर्च अथॉरिटी

मैंने सोचा कोई कह रहा है मैं सर मैं सर जी जीता अच्छा। हाँ, चर्च जीती ठीक है चर्च हमेशा जीतती रही और हमेशा वो किंग को दमारे में ह्यूमिलिएट करने में या उसके गुडे टेकने में कामयाब हो जाते फिर उसके बाद इंग्लैंड फ्रांस ने टैक्स लगा दिया चर्च के ऊपर चर्च की प्रॉपर्टीज के ऊपर इससे दोबारा लड़ाई शुरू हुई फिलिप और आ, पोप बोनो के दरमियान और अब चर्च को शिकस्त हो गई और चर्च को जब शिकस्त हुई मर्सनरी आर्मीज ने जाकर चर्च को टेक ओवर कर लिया और थर्टीन सेंचुरी के बाद अब क्या हुई कि वेस्टर्न स्किज्म पैदा हो फ्रांस जो है वो बेसिकली रोमन चर्च कैथोलिक चर्च के ऊपर हावी हो गया और ये जो स्किज्म है ये काफी लंबा अरसा फ्रॉम द थर्टीन सेंचुरी टिल द मिड फिफ्टीन सेंचुरी ये चलता रहा ठीक है और इसी लड़ाई झगड़े में बिटवीन द किंग्स ऑन द वन हैंड वर नाउ विनिंग चर्च ऑन देंड विच इज नाउ इन देंचुरी लूजिंग क्या रिजल्ट निकलता है uh, अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रही मगर स्ट्रोंग करती जा रही है क्या रिप्रेजेंटेशन की बात रिपब्लिकन आइडियाज रेप्रेजेंटेशनल आइडियाज और सेक्युलर अथॉरिटी को सपोर्ट कर रही है किंग्स को सपोर्ट कर रही है किंग्स जीत भी रहे हैं आप पहली दफा इन लॉन्ग टाइम इन हिस्ट्री और चर्च कमजोर हो रहा है और इस रीअरेंजमेंट -रे में अहम बात यह आपने क्वेश्चन पूछा था इस रीअरेंजमेंट में जहां पे ये सारी पोलिटिकल लड़, लड़ाई चल रही है ये नए आइडियाज भी जन्म ले रहे हैं इस पॉलिटिकल रीअरेंजमेंट की वजह से और इस तोड़फोड़ की वजह से फोर्टीन सेंचुरी में ये नई थॉट डेवलप होती है विच वी रेफर टू एज द रेनेस जो पहले ह्यूमनिज्म और आर्ट मूवमेंट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है Or eventually humanities and the development of sky, or it opens the door to many new political ideas, scientific ideas, philosophical ideas that are credited with having brought Europe out of the dark ages. So crisis from the 13th, from the 14th century onwards leads to a rebirth of Europe in a new way, which is a Europe which is secular and believes in more republican ideas.

महज कर यह उसका सियासी पस मंजर है दैट्स इट